आज लोग थ्री इंडस्ट्री जावा प्रोग्रामिंग क्लास के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड जिसे मॉर्निंग गुड सर। हाँ मॉर्निंग जिसे हम लोग डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली कोई भी लैंग्वेज हो उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। तो आज हम लोग डेटा टाइप्स को स्टार्ट कर रहे हैं। देयर आर मेजोरली टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। मुख्यतः जो भाषा होती है लैंग्वेजेस होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज और दूसरी डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो पहली टाइप की जो लैंग्वेज वो स्टैटिकली है और दूसरी टाइप की जो लैंग्वेज है वो डायनामिक है। फर्स्ट वन जो सबसे पहला है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज वेयर ईच वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस इज ऑलरेडी नोन एट कंपाइल टाइम। हम जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है उसमें जो भी वेरिएबल्स अथवा एक्सप्रेशंस हम लोग लिखते हैं तो उनका टाइप टाइप अर्थात डेटा टाइप हम पहले से ही क्या कर देते हैं लिख देते हैं फिक्स कर देते हैं कब कंपाइल टाइम। जैसे नम, अब मैंने नम लिख दिया लेकिन अभी ये पता नहीं चल रहा कि आखिर नम है। तो जो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होती है उनको पहले से हम डिक्लेयर कर ये इंट नम मीन्स। अब ये जो नम नाम का वेरिएबल है वो किस टाइप का है इंटीजर। वंस ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड टू बी सर्टेन डेटा टाइप एक बार किसी भी वेरिएबल को एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इट कैन नॉट होल्ड वैल्यूज ऑफ अदर डेटा टाइप्स। तो फिर वो दूसरे डेटा टाइप्स की वैल्यू को होल्ड नहीं कर। मान लीजिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप्स मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले इनिशियलाइज कर दिया है और प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स में मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कहीं दूसरा डेटा टाइप स्टोर करना चाहता हूँ कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स अगर सीधे शब्दों में कहें तो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस हैं जब हम किसी प्रोग्राम को कोडिंग कर रहे होते हैं कंपाइल टाइम होता है कोडिंग कर रहे होते हैं
उस समय जब हम कोई भी वेरिएबल या एक्सप्रेशंस डिक्लेयर करते हैं उसमें डेटा टाइप पहले प्रीडिफाइंड कर दिया था, पहले से लिख दिया था, ऐसी टाइप्स की लैंग्वेज को हम लोग स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल सी, C++, Java एंड etc, ये लैंग्वेजेस ऐसी हैं, इनमें डेटा टाइप्स जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसी समय उसका टाइप डिक्लेयर कर दिया जाता अदर जो दूसरा लैंग्वेज का टाइप है वो है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, मीन्स दीज लैंग्वेजेस कैन रिसीव डिफरेंट डेटा टाइप्स ओवर टाइम। मतलब ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस में हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल को लिख देना होता है और उस वेरिएबल को लिखने के बाद जरूरत के हिसाब से हम उसका डेटा टाइप चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बैर दिया, अब इस बैर को मैंने जब वैल्यू दिया 10, मतलब ये किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का, इसी को मैंने दे दिया ये किस टाइप का हो गया, कैरेक्टर टाइप, स्ट्रिंग ठीक है। कैरेक्टर हूँ। और मान लीजिए मैंने दे दिया 10.5, ये किस टाइप का हो गया, आपका फ्लोट टाइप। फ्लोटिंग तो एग्जांपल के रूप में रूबी, पाइथन और पीएचपी, पाइथन पीएचपी स्ट्रिंग एटीसी, ठीक। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस है जिन पे हमें डेटा टाइप्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें वेरिएबल स्टोर करते रहते हैं। हम टाइप हम निर्धारित करते हैं, टाइप सिस्टम निर्धारित नहीं करता, टाइप हम इसलिए निर्धारित करते हैं कि जो भी वैल्यू हम उसको देंगे उसका वो टाइप हो जाएगा। तो इस टाइप इस तरह से दो प्रकार की लैंग्वेजेस होते हैं, एक स्टैटिकली लैंग्वेज होती है और दूसरी डायनेमिकली लैंग्वेज होती है। ओके, यस सर। सर जावा किस में आएगी, स्टैटिक में कि उसमें आएगी? स्टैटिकल जावा, तो जावा स्टैटिकल जावा में तुम्हें टाइप बाद में चेंज करने का मौका मिलेगा, है वो तो कंपाइल टाइम तुम जो लिख दोगे, हाँ जो भी कंपाइल टाइम। डेटा टाइप तुम डिक्लेयर कर दोगे कंपाइल टाइम, वो तो उसी टाइम उसके बाद तुमको काम चेंज थोड़ी कर सकते हो। मान लो तुम कुछ कोड कर रहे हो तो तुमने क्या किया, इंट जी एक कोई वैल्यू वेरिएबल दे दिया, अब इसके बाद तुमको लगा कि यार यस नहीं, सर मैं तो गलती से हो गया, मैं भी तो फ्लोट करना चाहता हूँ, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। नहीं तो नहीं पॉसिबल। वो उस पॉसिबल है, लेकिन वो किसके थ्रू पॉसिबल है, टाइप कास्टिंग के थ्रू, है ना। टाइप तो कॉस्टिंग वो दूसरा केस हो यस गया, फिर वो डायरेक्टली नहीं हुआ, ठीक। तो ए डेटा यस टाइप इज एन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए वेरिएबल which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the variable. Data type क्या है, किसी भी variable का attribution, उसका behavior बताने के लिए कि आपका variable वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को उस वेरिएबल के बिहेवियर के बारे में बताता है कि तुम्हारा ये वेरिएबल किस तरह से काम करेगा। जैसे मैंने नम लिखा है, चलिए तो अब आपके दिमाग में नम, अरे नम मतलब नाम, चलो ठीक है लो, अब नम माने नाम, अब ये क्या हो गया, नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इससे बिहेवियर इसका पता चल गया ना, इसका जो एट्रीब्यूट्स क्या है, ये डेटा टाइप इसका एट्रीब्यूट्स होगा। अगर इसी नम के पहले में क्या लगा देता, स्ट्रिंग लगा देता, ठीक है, तो क्या होता, तो ये हो जाता कि अरे ये तो नेम है, ठीक है। तो वो कंपाइलर को ये बताने के लिए
आखिरकार आपको किस टाइप का वेरिएबल है वो उसको स्वाप कर देता है. इट डिफाइंस द ऑपरेशंस दैट कैन बी डन ऑन द डेटा एंड व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर. देखिए ये क्या करता है, किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वो डेटा टाइप को किसी वेरिएबल के पहले लिखता है, जिससे उस वैल्यू का टाइप निर्धारित होता है और वो वैल्यू क्या करती है, डेटा को स्टोर करने में सक्षम हो जाती है और वो उसी टाइप का डेटा स्टोर करती है जिस टाइप का उसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया गया. Java has a rich set of data types. Java data types के मामले में बहुत ही strong language है. Data types are divided into two groups. Java में जो data types को divide करते हैं वो दो groups में divide करते हैं. पहला primitive data types और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. सबसे पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं. ए प्रिमिटिव डेटा टाइप इज प्रीडिफाइंड. प्रीडिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो सर पहले से डिफाइन. हाँ यस, जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं. कब? बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जब लैंग्वेज को लॉन्च करने बनाया गया है, डेवलप किया गया है, उस समय इसके साथ जो डेटा टाइप्स जोड़ दिए गए हैं उन्हें हम लोग प्री डिफाइन के नाम से जानते हैं. द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज आर स्पेसिफाइड. मतलब इनकी साइज और इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले से स्पेसिफाइड कर दी जाती है. एंड इट हैज नो एडिशनल मेथड्स. और इसमें हम कुछ भी एडिशनल नहीं कर सकते. हम इसमें अपनी सुविधा के अनुसार चेंजेस या कम या ज्यादा नहीं कर सकते. ऐसे डेटा टाइप्स को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम से जाना जाता है. दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इंक्लूड क्लासेस इंटरफेसेस एंड अरेज. ऐसा डेटा टाइप जिसे यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हैंडल कर सकता है, उन डेटा टाइप्स को हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं. सच एज क्लासेस. क्लासेस भी एक डेटा टाइप है, लेकिन हम उसे अपनी सुविधा के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं. इंटरफेसेस. इंटरफेस भी जस्ट लाइक ए क्लास, नॉट ए क्लास. क्लास जैसा है, क्लास नहीं है. ठीक है, तो इंटरफेस को भी हम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं. अरे, अन्य लैंग्वेजेस में जो अरे होता था वो स्टैटिक होता था, जावा में अरे का कॉन्सेप्ट डायनेमिक है, तो हम इसे भी अपनी सुविधा के अनुसार मैनेज कर सकते. देखिए डेटा टाइप्स दो प्रकार का डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन सा आता है, सबसे पहला आता है बूलियन और दूसरा आता है न्यूमेरिक. ये अब यहाँ पर एक चीज बड़े गौर करने वाली बात है. यहाँ पर बी कैपिटल लिखा है और यहाँ पर एन कैपिटल लिखा है. इसका मतलब है कि ये क्या है, क्लासेस है. क्लास. ये इसकी क्या है, मेथड. तो बूलियन जो है वो बूलियन टाइप की डेटा टाइप्स है कि न्यूमेरिक,
दो प्रकार के होते हैं, एक करेक्टर्स होता है और इंटेग्रल होता है। करेक्टर कैरेक्टाइप का, ठीक है, सॉरी कैरेक्टाइप का। फिर इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीगर होता है, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट होता है। इंटीगर बाइट, शार्ट, इंट और लॉन्ग। जबकि फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट ऑफ डबल, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, स्ट्रिंग, अरे एंड इंटरफेस एंड ईटीस और भी। तो इस तरह से जो डेटा टाइप्स को क्लासिफाइड हम लोग करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं कि डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में बूलन और न्यूमेरिक नाम की दो क्लासें होती हैं। बूलन एक प्रकार का ही डेटा टाइप्स है, बूलन करके, और न्यूमेरिक जो है वो दो प्रकार के रखता है, करेक्टर और इंटीग्रल। फिर करेक्टर में कैर है, इंटीग्रल दो प्रकार का है, एक इंटीगर है और दूसरा फ्लोट पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट्स। इंटीगर फोर टाइप से काम करता है, बाइट, शार्ट, इंट और लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट्स फ्लोट और जंप। अब देखिए यहां पर इनका टाइप्स दिया गया है, कितना साइज इनकी डिफॉल्ट पे। तो सबसे पहला है आपका टाइप है बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, जीरो। साइज कितनी होती है, एक बाइट। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, बिट, ठीक है। तो ये बाइट, वन बाइट लेता है। शॉर्ट ये कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट्स लेता है स्टोर करने के लिए। इंटीगर 4 बाइट्स लेता है, चाहे 32 का आर्किटेक्चर हो और चाहे 64 का आर्किटेक्चर हो। लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, बूलियन 1 बिट। मैंने बताया ना 1 बिट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है। तो बिट सबसे छोटी इकाई एंड कैर 2 बाइट्स, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स है, ये सभी डेटा टाइप्स है और ये इनकी साइज, सभी की अलग अलग साइज है। और ये यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू दिया है कि डिफॉल्ट वैल्यू इनके अंदर पर क्या होता है। प्रिंटेड डेटा टाइप्स में इंटीगर, फ्लोट, कैर और बूलियन, ये चार प्रकार बेसिकली होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन मैंने पहले बताया कि कौन कौन किसके अंतर्गत आता है। तो इंटीगर में 4 टाइप्स से रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला बाइट, इसकी साइज 1 बाइट है। दूसरा है लॉन्ग, इसकी साइज 8 बाइट से। तीसरा है शार्ट, इसकी 2 बाइट से। और चौथा है आपका इंट, 4 बाइट। इसी तरह से फ्लोट में, फ्लोट 4 बाइट से लेता है और डबल 8 बाइट से लेता है। यहां पर देखिए करेक्टर कैर 2 बाइट्स, बूलियन 1 बाइट लेता है बट मेक्स यूज ऑफ 1 बिट ऑफ इट, एक बिट में काम कर सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है।
अब यहां पर देखिए इंट नम इक्वल टू 56, इंट नम यहां पर क्या है वेरिएबल, और 56 उसकी वैल्यू है, इंट क्या है डेटा टाइप। इसी तरह से फ्लोट डेटा टाइप है, नम उसका नेम है और ये उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट कैप क्या है डेटा टाइप है ch, डेटा टाइप ch क्या है इसका नेम है वेरिएबल का वेरिएबल, और name. x उसकी वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पे बूलियन b इक्वल टू टू, यहाँ पे एक चीज बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैंने इसके पहले बूलियन को वन बिट बताया लेकिन यहाँ वन बाइट लिखा, ठीक है ना, तो जरा समझना, बट मेक यूज ऑफ वन बिट ऑफ इट, लेकिन ये कितना यूज करता है एक बिट यूज करता है, तो इसकी जो मिनिमम साइज होगी बूलियन की क्या होगी वन बिट ही बिट। Non-primitive data types refer to the object and hence they are called reference type. जो non-primitive data types होते हैं उन्हें हम लोग reference types के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत string, array, classes, interface. तो non-primitive data types है 4 types के इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, string, अरे, क्लासेस और इंटरफेस। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये हमने पढ़ा है। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये भी हमने पढ़ा। yes. लेकिन Character. जावा में, बट इन जावा, जावा में थोड़ा सा इसका मीनिंग अलग है। स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, जावा में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, क्या है ऑब्जेक्ट, दैट रिप्रेजेंट, दैट रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये क्या करता है कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये कहां पाया जाता है जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग पैकेज के अंतर्गत। जावा डॉट लैंग पैकेज का नाम है, स्ट्रिंग उस क्लास का नाम है, क्लास इज यूज टू क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जब भी जावा में स्ट्रिंग क्लास को यूज करते हैं तो आप हमेशा देखिएगा कि एस कैपिटल रहेगा, बाकी डेटा, ये स्ट्रिंग केस है, बाकी डेटा टाइप में हमेशा कीवर्ड होगा, मतलब सब स्मॉल में होगा। ये जावा एक ऐसे, सॉरी स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो क्या होगा उसका एस कैपिटल होगा, तो इसलिए हम स्ट्रिंग और एस, मतलब हमने स्ट्रिंग क्लास का एस एक रेफरेंस बना दिया या ऑब्जेक्ट बना दिया। अरे, अरे इन जावा होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है, इंप्लीमेंट इन जावा एज ऑब्जेक्ट, जावा में ये, क्योंकि यहां पर अरे भी एक क्लास है, तो जब भी मैं जावा में अरे का यूज करता हूँ, ये जावा में अरे के कॉन्सेप्ट को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, तभी मैं अरे यूज कर पाऊंगा। तो जब मैं अरे पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर क्लासेस, ए क्लासेस इज जावा इज ब्लूप्रिंट, क्लासेस क्या है जावा का ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है पहले से हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने एप्लीकेशंस को पूर्ण कर पाएंगे। विच इंक्लूड्स ऑल योर डेटा, जिसमें हम हमारे पूरे डेटा को क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। ए क्लास कंटेन्स फील्ड, मतलब वेरिएबल्स और मेथड्स। क्लास के पास क्या चीज होती है, दो ही चीजें होती है डेटा मेंबर्स, या तो वेरिएबल्स होंगे या फिर मेथड्स होंगे, या वेरिएबल्स और मेथड दोनों होंगे। टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्लास के, हम क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरफेस, इंटरफेस लाइक ए क्लास,
ये लाइक ए क्लास नॉट ए क्लास हा एंड इंटरफेस कैन हैव मेथड्स एंड वेरिएबल्स. इंटरफेस भी क्या कर सकता है मेथड्स और वेरिएबल, जैसे क्लास यूज करता है उसी तरह से ये भी यूज करता है. बस अंतर इतना है जब मैं इंटरफेस हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है. बट द मेथड्स डिक्लेयर इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट. मतलब जो इंटरफेस में जो मेथड डिक्लेयर होगी वो क्या होगी एब्स्ट्रैक्ट होगी. मतलब जिसका सिग्नेचर होगा कोई बॉडी नहीं होगी उसका इंप्लीमेंटेशन उसकी सब क्लास करेगी. उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इनहेरिटेंस. ठीक तो yes, sir. कोई डाउट है इसमें इसकी अरे क्लासेस इंटरफेस में किसी को कोई डाउट? ओके तो आज के लिए इतना ही काफी है. नहीं सर कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल कैसे बनाया जाता है. और नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी इंस्टॉलेशन ऑफ जावा एंड देन स्टार्ट द प्रोग्राम. ओके थैंक यू. यस सर.